सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। एक वक्त था जब बेटे आर्यन खान की अरेस्ट के चलते एक्टर को काफी मुश्किलें दौर से गुजरना पड़ा था। लोगों ने बेटे के साथ शाहरुख खान को भी खूब ट्रोल किया था, लेकिन उस वक्त एक्टर आर्यन की अरेस्ट को लेकर चुप रहे। वहीं अब पहली बार किंग खान ने बेटे के अरेस्ट होने पर बात की है और साथ ही बताया कि आखिर वो उस समय खामोश क्यों थे। हाल ही में मीडिया के साथ बातचीत में शाहरुख खान ने जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी के बारे में बताया और साथ ही आर्यन खान की अरेस्ट पर एक शब्द में खामोशी का जवाब दिया। शाहरुख ने कहा, बीते 4-5 साल मेरे और मेरे परिवार के लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है। कोविड की वजह से आपकी जिंदगी में कई मुश्किलें आई होंगी। उस समय काफी फिल्में भी फ्लॉप हुई और जिसके बाद एनालिस्ट ने मेरे बारे में ये लिखना शुरू कर दिया कि मेरा करियर खत्म हो चुका है। और आर्यन के अरेस्ट होने के बाद खामोश रहने पर शाहरुख ने दिल खोल कर बात की। उन्होंने कहा, पर्सनल लेवल पर भी मेरी लाइफ में कुछ चीजें परेशान करने वाली हुई थी जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। मुझे लगता है जब मुश्किल घड़ी हो तो शांत रहना चाहिए, बहुत ज्यादा शांत रहना चाहिए और अपनी गरिमा को कायम रखते हुए काम करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ये सोच रहे होते हो कि जिंदगी में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है तो पता नहीं अचानक कब लाइफ आपको हार्ट हिट कर देती है। शाहरुख खान ने ये भी कहा कि जब जिंदगी में मुश्किल समय चल रहा हो तो उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए और एक सच्ची कहानी बयां करनी चाहिए। बता दें कि शाहरुख खान के बेटे साल 2021 में ड्रग्स मामले में बुरी तरह से फंसे थे। इस मामले में उन्हें कई दिनों तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, हालांकि बाद में वो जमानत पर बाहर आ गए थे। ऐसे में बेटे के अरेस्ट से खान परिवार काफी हद तक टूट चुका था।